हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो में मैं जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में से 100% है कि सभी प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। किसी न किसी सेट में ये सारे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो इन सभी प्रश्नों जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को छोड़कर मत जाइएगा। अगर आपको 20 नंबर पक्के करने हैं, तो इस 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ग जो है, बाबू गुलाब राय, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, बाबू गुलाब राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन, कृति कंकाल के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल। तो ऑप्शन नंबर क आपका जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही होगा। तो यानी कि कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद सही उत्तर होगा आपका, जयशंकर प्रसाद। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न हमारे पास है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेम घन, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर आपका है पहला क, मोहन राकेश, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न चौथा है हमारे पास, मैला आंचल के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु और प्रेमचंद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल सही है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। ये किसकी रचनाकार है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न हमारे पास पांचवा है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, मथुरानाथ शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही है, मथुरानाथ शुक्ल, ठीक है। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, मथुरानाथ शुक्ल। अगला प्रश्न छठवां है हमारे पास, छठा प्रश्न है, गोदान किस युग का उपन्यास है। ऑप्शन दिए गए, शुक्ल युग का, द्विवेदी युग का, शुक्लोत्तर युग का, आधुनिक युग का। ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल सही है, शुक्ल युग का, ठीक है। सातवां प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल। तो आपका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न आठवां है आपके पास, रस मीमांसा के लेखक है। ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश, गुलाब राय, भगवती चरण। ऑप्शन नंबर क आपका सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रस मीमांसा के लेखक हैं। अब देखिए नौवां प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से अधिक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे। और इसी तरह से मैं सभी सब्जेक्ट के वीडियो इस पर अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके चैनल पर, यानी कि इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आप ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 के बारे में। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर मेरे बताए गए सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 नंबर से प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सारे सब्जेक्ट में आप 90 नंबर लेकर के आएंगे, अगर आप सारी वीडियोस को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन दिए गए, मैत्री शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर क आपके बिल्कुल सही है, मैत्री शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 10वां है हमारे पास, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन दिए गए, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, प्रयोगवादी। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही है, रीतिबद्ध, ठीक है। केशवदास जो काव्यधारा के कवि हैं, वो रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है, बिहारी, भूषण, केशवदास, मतीराम। तो इसमें से आपका ग नंबर ऑप्शन जो है केशवदास, ये सही है। रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो हैं केशवदास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं, ठीक है। हमारे पास पद्माकर, बिहारी, विकल्प क और विकल्प ख, सूरदास। तो यानी कि ये पद्माकर और बिहारी दोनों क्या हैं, ये रीतिकाल के प्रमुख दो कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ग आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो सही है हमारे पास। अगला प्रश्न हमारे पास 13 नंबर है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, ठीक है। यहाँ पे विधा
कौन सी विधा है, ठीक है। तो सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं निबंध, डायरी, उपन्यास, कविता। तो ऑप्शन नंबर गो आपका बिल्कुल सही है, उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है उपन्यास है, ठीक है। अगला प्रश्न चौदहवा है हमारे पास, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा की है, मानी कि साहित्य किस विधा की है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा की है, किस विधा की है हमारे पास, जीवनी है, संस्मरण है, संस्मरण है, भेंट वार्ता है, नाटक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ख, बिल्कुल सही हो जाएगा, ख जो है संस्मरण, ठीक है। तो स्मृति की रेखाएं क्या है, संस्मरण है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन है, आंसू है, उत्तरायण है, यामा है, या चौखे चौबदे हैं। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही है, उत्तरायण। उत्तरायण जो है राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, ठीक है। पर जो प्रश्न है आपका, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर है आपका अज्ञेय, यानी सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जो है, ये जो लिखे हैं क्या, आंगन के पार द्वार, ठीक है। तो इसके रचयिता कौन है, अज्ञेय जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो 16 प्रश्न हमने अब तक बताए हैं, इन 16 प्रश्नों को आपको समझ में आए होंगे सारे प्रश्न, और 16 प्रश्नों को आपने याद कर लिया होगा अपने दिमाग में, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही के लाभ के लिए मैं बता रहा हूँ, और मेरी भी थोड़ी सी मोटिवेशन हाई हो जाएगी, बस इतना ही होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, तो ऑप्शन दिए गए नागार्जुन, केदारनाथ, त्रिलोचन, भारतेंदु हरिश्चंद। तो घ नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, भारतेंदु हरिश्चंद प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी का। ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा का है। दीप शिखा किसका काव्य संग्रह है, महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न 19 नंबर है हमारे पास, पलाश वन के रचनाकार हैं, ऑप्शन दिए गए भूषण, श्रीधर पाठक, नरेंद्र शर्मा, मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर क आपका बिल्कुल सही है, नरेंद्र शर्मा, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को तैयार करते हुए चलिए, नरेंद्र शर्मा किसके लिए रचनाकार है, पलाश वन के, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कमायनी के रचनाकार हैं, कमायनी के रचनाकार हैं, 20वां नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही है, कमायनी के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 21 नंबर है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गऊ सुरधाय, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है, ये जो भी हमारे पास काव्य लिखा गया है इसमें रस कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए एक शब्द आ रहा है बिरह, बिरह मतलब होता है दुख, दुख मतलब होता है करुणा, ठीक है। तो इसमें आपके देख सकते हैं वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस है। तो जिसे सुनने से या फिर जिसको महसूस करने से अगर करुण की भावना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करुण रस, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है आपके पास, सुहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शयन पर आपत परियो प्रभात। तो ये सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं कि इन उदाहरण कौन से रस में है, और इस ये जो हमारे पास काव्य है इसको भी याद रखना है कि ये किस अलंकार में है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ याद नहीं रख सकते हैं, तो इतना तो जरूर याद रखिएगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबको याद रखिएगा। तो सुहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जिनके जिनके आगे ठहर सके, जिनके आगे ठहर सके जहांगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो इसमें छंद पूछा जा रहा है कि रोला छंद है, सोडा छंद है, कुंडलिया है, दोहा है। तो इसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें रोला छंद है, ठीक है। जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, इसमें क यानी कि रोला छंद है। हमेशा याद रखिएगा कि इस उदाहरण में, ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस उदाहरण में जो छंद आएगा रोला छंद आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास 24वां प्रश्न है, शुभाशुभ में समास है, यानी शुभाशुभ में समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार रखिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगले हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, आज निश्चित होकर सोया जाएगा वाच्य है, इस यानी कि यह जो वाक्य लिखा गया है इस वाक्य में वाच्य कौन सा है,
कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या कोई नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ख बिल्कुल सही है, भाववाच्य है। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, निश्चित आया है ना, यानी कि इसमें हमारा भाववाच्य होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास 26 नंबर है, तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा। तालाब का तत्सम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दिया गया समुद्र, तड़ाग, झील, महासागर। ऑप्शन नंबर ख इसमें भी आपका सही होगा, तड़ाग। तड़ाग का तत्सम जो रूप, यानी कि तालाब का जो तत्सम रूप होता है, तड़ाग होता है। अगला प्रश्न 27 नंबर है, सोना शब्द का पर्यायवाची है। सोना, सोना मतलब ये सोने वाला सोना नहीं है, सोना गोल्ड, गोल्ड वाला सोना। इसमें जो है शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची पूछ रहा है, तो हेम, हिरण्य, केतु, पताका, सारंग, कुरंग, अमी, अमीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर को आपका बिल्कुल सही है, हेम हिरण्य, सॉरी हेम हिरण्य। याद रखिएगा कि ये सोना का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर है हमारे पास, 28 नंबर प्रश्न है बादल, बादल शब्द का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची क्या है? पीलांक, सस्य, तड़ित, चपला, तड़ित, केतु, अम्बुद, पयोद। तो ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही है, अम्बुद पयोद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, परिश्रम का विलोम शब्द होता है, यानी परिश्रम का विलोम है आलसी, मेहनती, क व ख दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क बिल्कुल सही है। देखिए परिश्रमी का क्या होता है? विलोम आलसी होता है। ठीक है, ठीक उसका उल्टा। अगला प्रश्न हमारे पास है 30 नंबर प्रश्न है, तद यानी स्त्रीलिंग में तद जो है शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो देखिए तद का जो हमारा स्त्रीलिंग में शब्द का तत्समी विभक्ति जो बहुवचन में होगा वो हमारे पास ग होगा, यानी तासु। तो ये धातु रूप और शब्द रूप ये दोनों आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न बताए वो सभी इंपॉर्टेंट थे, यानी कि मैंने इस वीडियो में मैंने अपना 30 प्रश्न कंप्लीट किया। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा होगा तो अधिक से अधिक क्वेश्चन तो आपको देख करके ही याद हो गए होंगे। बाकी जो भी चीज़ आपको करनी है यानी नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, फिर से एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी सुन सुन करके ही। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ, जो भी आपके प्रिय दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम महामैराथन क्लासेस को लेकर के आएंगे। इस वीडियो में अगर आपने 100 लाइक दे दिया तो अगली क्लास में मैं महामैराथन की क्लास लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न एक से लेकर के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघु, उत्तरीय, गद्यांश वाले, पद्यांश वाले और भी जितने सब्जेक्ट के प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके पूरे पूरे यानी नंबर यानी 100 में 100 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महामैराथन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।